नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन कमोडिटी बाजार के लास्ट वर्किंग डे पे कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बिनौला खल से। रूपा जी, आपने बिनौला खल में करेक्शन की चेतावनी दी थी पहले ही कि बिनौला खल की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है, 2900 तक नीचे में बाजार जा सकता है। 2900 तक हमने कल को जाता हुआ देख लिया बिनौला खल का बाजार। अब आपको क्या लगता है, ये जो फंडामेंटल्स हैं रूपा जी अभी बिनौला खल के, ये बिनौला खल में तेजी लाने वाले हैं, जैसे कि पशु चारा महंगा हो जाना, दूध के प्राइसेस बढ़ जाना, ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़े रहना, लेकिन इनके बावजूद भी देख रहे हैं कि NCDX पर बिनौला खल का वायदा बाजार उठ नहीं पा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब तेजी वाले फंडामेंटल्स रहने के बावजूद बिनौला खल ये जो नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये और गिरावट की ओर जाएगा या फिर यहाँ से तेजी बननी चाहिए? अब देखिए, बिनौला खल में मैंने बहुत पहले ही बताया था कि अखिलेश यहाँ पर अब पिकअप नहीं है, डिमांड नहीं है और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो प्रेशर वाला है। और आप देखिए वो लगातार प्राइजेस जो है बिकवाली की तरफ, और आज देखिए 2900 के आसपास, अब यहाँ से आप मान के चलिए कि 2800 तक का स्तर भी संभव है कि मार्केट दिखला सकती है। तो मेरे हिसाब से बिकवाली ही रहेगी इसके अंदर, और बाउंस बैक आता भी है तो 3200 तक मैक्सिमम तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे वीक लगता है इसका, 2800 के आसपास सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। यहीं से रूपा जी M6 कॉटन की बात करें तो M6 कॉटन में देख रहे हैं कि 44,000 की तो ऊपर है लेकिन लाल निशान पर है। रूपा जी, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो इस बार साल 2022 में कॉटन की जो सोइंग होगी, जो कि अब सीजन आने ही वाला है, तो सोइंग जो हो सकती है वो बम्पर हो सकती है इस बार कॉटन की, क्योंकि कॉटन के जो प्राइसेस हैं मंडियों के अंदर और वायदा दोनों में ही अच्छे देखने को मिले हैं। तो रूपा जी, अगर कॉटन की सोइंग बढ़ती है और प्रोडक्शन अच्छा रहता है तो क्या आगे कॉटन का बाजार गिर जाएगा? देखिए, गिरने की चांसेस है तो अभी यहाँ पर करेक्शन की अर्निंग है और एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में यहाँ से हावी हो सकती है। मुझे लगता है कि कॉटन में हम तेजी का दौर जो है वो एक बार, और अगर न्यूज निकल आता है, कुछ हैपनिंग हो जाती है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी के लिए जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के चलते हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का मंजर देखने को मिल सकता है। और अब जो है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन लेवल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा अब पिकअप एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि अगर करेक्शन आई तो वो कहीं ना कहीं गहराती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कॉटन में अब तेजी जो है इस साल की खत्म हो चुकी है, आगे दबाव वाला सीजन रह सकता है जी। यहीं से रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो देख रहे हैं कि ग्वार में आज लाल निशान देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से लाल, ये जो गिरावट आई है, करेक्शन बनी है हल्की सी, ये यहाँ से और गहराएगी या फिर यहाँ से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और अगले कारोबारी सप्ताह की जो प्राइसेस हैं अच्छे देखने को मिलेंगे? देखिए, आज हो सकता है कि ये करेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे और ग्वार गम जो है वो 12,000 के नीचे लुढ़क जाए, नीचे में 11,800 का स्तर दिख रहा है, यहाँ से टेक्निकली टच हो सकता है। वहीं ग्वार सीट की बात करें तो वो भी 6280 तक नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन अगेन बाइंग रहेगा क्योंकि अभी पॉजिटिव है मार्केट, तो जो सिनेरियो है वो 13,000 तक एक बार लग रहा है कि टच हो सकता है जी। ये सिर्फ जी मसालों की बात की जाए तो मसालों में हमने रिसेंटली यहाँ पे एक करेक्शन आते हुए देखी थी, लेकिन जो प्राइसेस हैं ज़्यादा नीचे नहीं गए थे, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि मसालों में फिर से सपोर्ट मिला है करेक्शन के बाद और जो प्राइसेस हैं अब वो फिर से ठीक ठाक लेवल्स पर हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से रमज़ान का महीना है, शादी ब्याह का सीज़न है, मसालों की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है इन दौरान, तो ऐसे में क्या मसालों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहेगा और मसाले तेज़ी की ओर जा पाएंगे? नहीं, ये फंडामेंटल तो एक है ही जो मसालों को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखिए इनका खुद का फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है। डिमांड फैक्टर तो है ही, साथ में प्रोडक्शन इस बार काफी कम रहा है, काफी क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आई है मसालों में, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा, दोनों ही कमोडिटी हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो काफी ऊपरी लेवल पर सस्टेन है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मसालों में गिरावट पर हमेशा बाइंग करके चले, इसमें आगे चलकर तेजी का ही रुझान है। और धनिया भी आपको आगे 13,000 के बाद 15,000 तक का भी स्तर दिखा सकता है। और जीरे में जैसे कि हमने बताया था कि 22,000 से 22,500 का वो लेवल अचीव हो चुका है, अब यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आना जीरे के अंदर जरूरी है, और अगर यहाँ से सस्टेन हो जाता है मार्केट
तो ऊपर में 23 से 23,500 का स्तर आप मानकर चलिए कि जीरे में भी देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज हल्दी भी 9,800 से लेकर 10,000 के स्तरों को छूटे हुई नजर आ सकती है। जी यही सर, जी बात करें अगर एडिबल ऑयल की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सीपीओ बाकी तेलों के मुकाबले डिमांड में भी है और महंगा भी मिल रहा है, और जो इसका इंपोर्ट है सीपीओ का उस पर भी कहीं ना कहीं इंडोनेशिया द्वारा सीपीओ का एक्सपोर्ट रोक देने की वजह से इसके इंपोर्ट पर भी बैन लगा है, इंपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ा है भारत के अंदर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सीपीओ हम देख रहे हैं कि बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल किया जाता है और खाद्य तेलों में खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका असर इसकी कीमतों पर और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए अभी खाद्य तेल की कीमतों में इसका रुझान पॉजिटिव रह सकता है और कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, और एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, छुटमुट गिरावट आ सकती है लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि जो सिनेरियो है वो काफी सपोर्टिव है, और मुझे लगता है कि खाद्य तेल अभी अप्रैल और मई ये 2 महीने तक एक तेजी में बने रह सकते हैं। जी ये सर जी, सोयाबीन में क्या लगता है आपको, कल को हमने सोयाबीन को यूएस सोयाबीन को 1744-1745 डॉलर तक जाते हुए देखा, आज देख रहे हैं लगभग 14 से 15 डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है, 1730-35 डॉलर की रेंज में यूएस सोयाबीन ट्रेड कर रही है, और एनसीडीएक्स पर हम 7900 तक का लेवल सोयाबीन में जाते हुए देख चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोइंग सीजन शुरू होने से पहले सोयाबीन में जितनी तेजी बननी है बन जाएगी और फिर जब बुआई होगी फिर बाजार गिर जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है कि बुआई होने पर मार्केट गिर जाएगा, अभी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव है। आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट को आप स्टडी करें और डोमेस्टिक मार्केट को देखें तो एक डिमांड जो है वो फैक्टर अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है, उधर से सप्लाई काफी कम है जिसकी वजह से जो है कीमतों को सपोर्ट मिला हुआ है और इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा, तो कोई भी जो अभी सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव नहीं है। देखिए बाजार हो सकता है कि यहाँ पर रुक जाए लेकिन तेजी ना पकड़े, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से अभी ऐसा ही सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो सस्टेबल रहेगा ऊपरी स्तरों पर, और जो है आगे भी तेजी का ही रुझान बना रह सकता है, और फिलहाल के लिए आगे सोइंग कितनी होगी क्या आंकड़े निकल कर आएंगे उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, वेदर कैसा रहेगा फिर आगे क्रॉप कैसी रहती है उसके ऊपर ही आगे का एनालिसिस डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऊपर ही है, किसानों को अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं और लगभग 7 लाख बोरी की पहले आवक होती थी जो कि अब घटकर लगभग 6.5 लाख बोरी की आवकें रह गई हैं, आवकें ठीक ठाक हैं लेकिन कुछ किसानों ने सरसों को स्टॉक भी किया हुआ है कि तेजी में बेचेंगे, तो ऐसे में सरसों की में अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अभी सरसों में भी थोड़ा बहुत बाजार जो है उठापटक का माहौल देखने को मिल सकता है लेकिन ट्रेंड उसका भी पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे चल के सरसों में भी उठाव आ सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें और मुझे लगता है मई के अंदर जो है तेजी का रुझान बन सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देने चाहेंगी आप, एग्री कम्युनिटीज में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा रह सकता है? देखिए आगे आने वाले जो कारोबारी सप्ताह में मुझे लगता है कि मसालों में ही तेजी का रुझान रह सकता है और ग्वार भी अपने नए स्तर को छूती हुई नजर आ सकती है, ग्वार जो है वो 13,000 तक जा सकती है, आज जो करेक्शन आएगी मुझे लगता है उस करेक्शन में इसमें बाइंग का पोजीशन लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हल्दी अभी यहाँ से अच्छी लग रही है मुझे, हल्दी के अंदर भी तेजी का रुझान बन सकता है तो हल्दी को भी इन लेवल्स के ऊपर बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शुक्रवार के दिन कम्युनिटी बाजार के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और आगे आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा रह सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।